जानते हो कि 11th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है और हमारे इंडिया की पॉपुलेशन माशाल्लाह वल्लाह। तो एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर इंडिया की पॉपुलेशन पे उनकी क्या राय है। चले चलो। What do you think about Indian population? जो population बढ़ रही है उसके हिसाब से job नहीं मिल पाता। कहीं आप गए और आपको लगा कि यार इंडिया बहुत overpopulated हो गया? Yes, I always get this question, इतना लोग आते कहाँ से है। मेट्रोपॉलिटन सिटी जितनी भी कलकत्ता है, मद्रास से, ये सब जगह जब भी जाता होती है देख के बड़ा दुख होता है। बेरोजगारी, गंदगी वहाँ की, झोपड़पट्टी, ये सब चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एग्जीबिशन है या कुछ कहीं कुछ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे इतना पॉपुलेशन होता है तो हम सोचते हैं यार कहाँ आ गए। फिर भीड़ में हमको ऐसे समझता ही नहीं कि हमने यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एंड थोड़ा सा सफोकेशन भी होता है। सो उस टाइम ऐसा लगता है कि काफ़ी पॉपुलेशन है इंडिया में, देन ऐसा लगता है कि नहीं इसको कंट्रोल करना चाहिए। एक्चुअली मैं बिलोंग तो नागपुर से करता हूँ, पर अभी लाइक 2.5 ईयर्स के लिए मैं मुंबई में था, तो वहाँ जाकर पता चला पॉपुलेशन से क्या इफेक्ट होती है। लाइक ट्रैफिक, एक घंटा तो कार में ही बैठे रहोगे। क्या किया जा सकता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? वो नहीं बता सकते। क्यों बता? पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए जो जो एक दिन में कंट्रोल नहीं कर सकते पॉपुलेशन, आपको एजुकेशन सिस्टम में पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा। एवरीबॉडी नोज कि क्या कर सकते हैं हम, द थिंग इज कि अवेयरनेस फैलाओ, एक करो, ठीक है। बहुत सी चीज़ बैन करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे आपको गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको स्ट्रिक रूल, दो हमारा एक ही चाहिए, उससे ज़्यादा अगर रहता है तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी नहीं, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे गरीब हुए BPL वाले भी, उनको भी स्टिक कि आपको राशन का मिलेगा नहीं, राशन की फैसिलिटी मिलेगी नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। उनको अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, उसके कुछ प्रोग्राम्स, कुछ बैनर्स, जैसे ब्रांडिंग, हम लोग नेताओं की ब्रांडिंग देखते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग ये सब कुछ ब्रांडिंग देखें। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एंड इन दैट प्रोग्राम्स देर आर मेनी थिंग्स, जैसे कि देर आर बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंड इसके अलावा कॉन्डम्स भी हैं जो बहुत सस्ते में मिलते हैं, एंड वेंडिंग मशीन्स भी होती हैं। तो इसके बावजूद भी अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो सबको पता है सब कुछ सब मिलता है, बट वो अदरवाइज यूज़ होता है, ठीक है, कोई प्रॉपरली यूज़ नहीं होता है, सो उसके लिए कुछ कमेंट नहीं कर सकती मैं। टॉकिंग अबाउट कॉन्डम्स यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं आप और हम दोनों जानते हैं, सभी जानते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको अगर यही नहीं पता कि हाउ टू यूज़ कॉन्डम या पिल्स किस तरह से लेनी है, हाँ, तो वो क्या यूज़ करेगा उस चीज़ों को। तो बेटर है कि पहले उनके घर घर जाके आप उसको अवेयर कराओ कि ये चीज़ आपके काम में आएगी, देन उसको आप सर्कुलेट करो, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं, आप कितना भी फैसिलिटी देते हो तो।